Xiaomi 12 Lite। हाँ गाइज, यहाँ पे Xiaomi की तरफ से Xiaomi का 12 Lite स्मार्टफोन जो बहुत जल्दी इनके अंदर आने वाला है, इसमें हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पर Xiaomi जो अपना 12 Lite स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लाने वाला है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। और बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट में। तो बिल्ड डिज़ाइन में अगर मैं सबसे पहले आ जाता हूँ इसके, तो यहाँ पर जो लुक है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने मिल जाने वाला है। पिछले बार 11 लाइट भी था ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन यूज़ किया था। इस बार भी आपको जो डिज़ाइन दिया गया वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है अगर आप लोग देखते हो तो। यहाँ पर तो डिज़ाइन के मामले में आप कह सकते हैं फ़ोन का डिज़ाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिल जाता है। डिस्प्ले में अगर बात कर लेता हूँ तो 6.5 इंच का यहाँ पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, जो सुपर एमोलेड पैनल है। और यहाँ पर आपको जो सेंटर पंचोल मिल जाती है, 120 रिफ्रेशिंग रेट भी मिल जाता है। तो कह सकते हैं डिस्प्ले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़िया और अच्छा स्मूथ डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है। एंड सेंटर पंचोल मिल जाती है तो वो और ज़्यादा अच्छा नया लगता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने मिल सकता है। चिपसेट में आ जाते हैं, चलिए स्नैपड्रैगन का 778G प्लस वाला आपको चिपसेट मिल जाएगा। अब चिपसेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्नैपड्रैगन 778G जैसा ही है, पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस उसको इनहांस कर दिया और जो बहुत ज़्यादा बढ़िया आपका काम हो जाने वाला है। अगर आप लोग गेमिंग करते हो, हैवी टास्क करते हो तो अच्छा है, बट हाँ प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता, मैं आगे मैं बात करूँगा उसके बारे में। कैमराज में आ जाते हैं, मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का आपको मिलने वाला है, अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर भी मिल जाएगा, तो माइक्रो लेंस मिल जाएगा, शायद डेप्थ सेंसर ना मिले। 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, वॉइस का सपोर्ट होगा, सेल्फी में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, वहाँ से 1080 में वीडियो बना पाओगे, तो वो भी अच्छी बात है। बैटरी के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4.5 mAh की आपको बैटरी मिलेगी, प्लस टाइप सी 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको बॉक्स में शायद मिल जाए। किस ये पूरा यहाँ पे Xiaomi की तरफ से UI के बारे में भूल गया, UI में आपको जो है वो MIUI के साथ रन करने वाला है, एंड ये एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स होगा। किस ये पूरा Xiaomi का 12 Lite स्मार्टफोन एंड उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन। डेफिनेटली फ़ोन अच्छा है, मगर मैं प्राइस की अगर बात करूँगा तो उसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, बट यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसमें जो डिस्प्ले वो अच्छा इस्तेमाल किया गया है, चिपसेट और अच्छा कर सकते थे, अगर स्नैपड्रैगन 71 Gen दे देते तो बहुत अच्छा रहता, बट नहीं दिया गया है। चलिए फाइनली प्राइस की बात कर लेता हूँ, तो इस फोन में जो प्राइस कहा जा रहा है इंडियन मार्केट में 29-30,000 रुपीज़ हो सकता है। अब भाई ये बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से, 29-30,000 रुपीज़, 25,000 रुपये में आ जाता तो मैं एक्सेप्ट कर सकता था, बट यार आई थिंक 30,000 रुपये इस फोन के लिए ज़्यादा हो जाता है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर से बता दीजिएगा। अब फाइनली मैं बात कर लेता हूँ लॉन्च के बारे में, तो मैंने आपको कहा था कि जून के मंथ में आएगा, बट जून के मंथ में नहीं आ रहा है, ये आपको जुलाई के मंथ में आने वाला है। हाँ, जुलाई के मंथ में ये आपको देखने मिलने वाला है। तो अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जून तो खत्म होने ही वाला है, देन जुलाई के मिड तक ये इंडिया के अंदर आ सकता है। और ये बोला जा रहा था, एक लीक्स आई थी कि Xiaomi 12X भी इसके साथ आएगा, बट अभी इसकी इतनी कोई लीक्स नहीं आ रही है जितना इतना 11 Lite की आ रही है, 12 Lite की आ रही है ना, उतना 12X की नहीं आ रही है। तो पता नहीं क्या करने वाला है Xiaomi, बट जुलाई के अंदर आप लोग को ये फ़ोन इंडिया के अंदर देखने मिल सकता है। बट मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस फोन की जो प्राइस हो वो अराउंड कम हो, मतलब 25-26,000 में हो तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में बिक सकता है, बट अगर ये 20-30,000 में जाता है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर से बता दीजिएगा। और यहाँ पर आपको हमारे आजकल के वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक वीडियो तो कम से कम दिन में डालें ही, और कभी कभी लेट हो जाता है तो फिर क्या है कि फिर हम नेक्स्ट डे ही उसको वीडियो डाल देते हैं। तो कमेंट करके वो भी बता दो कैसा लग रहा है आप लोगों को, और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दो, क्योंकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड Xiaomi की 12 Lite के बाद लास्ट पर इतना ही कहूँगा, मुझे बहुत सारी फ़ोन में चीज़ें अच्छी लगी हैं, डिस्प्ले अच्छा लगा, बैटरी अच्छी लगी, कैमरा अच्छे लगे, डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बॉक्स टाइप का थोड़ा डिज़ाइन मिलता है जैसे एप्पल में मिलता है ना, तो वो कॉपी करने की कोशिश करिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। और चीज़ें भी हैं तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट भी कर सकते थे, बट उसको नहीं किया है, तो वो करना चाहिए था Xiaomi को यहाँ पर, बट नहीं किया है, तो वो देख लीजिएंगे आप लोग, बताना कमेंट करके, इंडिया में आने देते हैं। और इसमें बस इतना रखता हूँ, एंड लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।